Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is class 12 physics English medium. And now we solve numericals of the chapter potential and capacitance. देखिए हमने potential and capacitance आपको बहुत पहले पढ़ाया है और आपका chapter का concept clear होगा. Numericals करने के पहले आप ये sure हो जाइए कि क्या मुझे वह chapter पूरा तैयार है और उसके फार्मूले लर्न हो गए हैं, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे. तो हम एनसीईआरटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. हम अपने फर्स्ट फेस में एनसीईआरटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स का जब हमारा सेकंड फेस स्टार्ट होगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो उसको हम आईआईटी जेई के बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो फर्स्ट फाउंडेशन न्यूमेरिकल्स इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली एनसीईआरटी क्वेश्चंस. तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन कम्प्लीट सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे बोर्ड में डिस्प्ले होगा, जैसे कि आपको पहले से पता है कि हम क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले करेंगे. मैं बुक से रीड करूंगा और आप बोर्ड से उसको मिलाइए या अपने बुक में रीडिंग करिए, क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ध्यान से अगेन एंड अगेन रीड करना है. स्टेटमेंट रीडिंग करने के बाद आपको जो गिवन वैल्यूज है वो आपको लिखना है और फाइंड करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनने लगते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2.1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, इसका कोड होता है चैप्टर नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज टू चार्जेस 5×10⁻⁸ कूलम एंड −3×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट फॉर पॉइंट्स On the line joining the two charges is the electric potential zero. Take the potential at infinity to be zero. देखिए अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमको क्या कहता है. स्टेटमेंट को रीड करके अपन यहाँ पर देखते हैं कि टू चार्जेस हैं. वी हैव टू चार्जेस. सपोज ये टू चार्जेस हैं, ये Q1 है, सपोज ये Q2 है, और इनके बीच के डिस्टेंस को सपोज हमने लिया है, जो क्वेश्चन में दिया है 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 इज 5×10⁻⁸ कूलम. 5×10⁻⁸ कूलम एंड चार्ज सेकंड नंबर चार्ज Q2 इज −3×10⁻⁸ −3×10⁻⁸ कूलम. डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर ए एंड बी. देन बिटवीन ए एंड बी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एनी थर्ड पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो. दैट मींस वहां पर क्या हो, वो लाइन ज्वाइनिंग वहां पर क्या हो, पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो. तो सपोज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है और हमने इस पॉइंट सी को बी से सपोज एक्स सपोज कर लिया. इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए. तो ये हो जाएगा x, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा 16 माइनस एक्स. ये इतना x होगा तो 16 माइनस एक्स होगा और यही डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है. क्लियर. नाउ एट पॉइंट c द पोटेंशियल इज जीरो, देयरफॉर va प्लस vb इक्वल टू जीरो. ये va प्लस vb क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. That implies इसको हम सॉल्व करें तो वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपान, ये है इनके बीच का डिस्टेंस ए सी, ये हो जाएगा ए सी प्लस वी बी इज 1/4πε0 Q2 अपान दिस डिस्टेंस इज बी सी. ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है इक्वल टू जीरो. That implies वैल्यू पुट अप कर देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 9×10⁹ into द वैल्यू ऑफ Q1 इज 5×10⁻¹. ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस ए सी बिटवीन डिस्टेंस ए एंड सी इज 16 माइनस एक्स प्लस 1/4πε0 9×10⁹ Q2 इज −3×10⁻⁸
upon distance is BC and BC is x equal to 0. Now simplify, अब हम क्या करते हैं, इसको simplify करते हैं. तो देखिए जो value, common value है, common value को अपन common कर लेते हैं. That implies 9 into 10 to the power 9 is common into 5 into 10 to the power 10 to the power 8 is common into 10 to the power minus 8. ये common हो जाएगा. Under bracket, यहाँ से बचेगा क्या, 5 upon 16 minus x. 5 upon 16 minus x, ये minus हो जाएगा, minus 3 upon x equal to 0, 3 upon x, और बाकी काम वैल्यू क्या हो गए, कॉमन हो गए, ये कॉमन हो गया, 10 to the minus 8, 10 minus 8 कॉमन हो गया ये. That implies, इसको हम उधर ट्रांसफर कर दें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा. That implies, ये हो जाएगा 5 upon 16 minus x equal, उसको ट्रांसफर कर दे तो 3 upon x. That implies, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x equal to 6 3 जा 18 और ये 48, ठीक, क्लियर, minus 3x. That implies, यहाँ ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, 8x equal to 48, that implies x equal to 6, 48 upon 8 is 6 centimeter. This is the answer. इस तरह से क्वेश्चन में जो पूछा है हमको, क्या पूछा है कि इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो, वो पोटेंशियल जीरो हो. तो 6 सेंटीमीटर, देखिए इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है, फ्रॉम बी, दैट मीन्स फ्रॉम दिस चार्ज. यदि बोले कि माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलाम चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर पर होना चाहिए. ये आंसर इसका जो रेड इंक से लिख रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर. लेकिन यदि क्वेश्चन में बोले फ्रॉम दिस चार्ज, तो ये डिस्टेंस निकालना है तो 16 में क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. जैसे इस तरह का क्वेश्चन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो अलर्ट रहना है कि कहाँ से, एक ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है और एक ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्लियर. तो वहाँ पर हड़बड़ी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको पहले श्योर हो जाना है, डिटरमाइन हो जाना है कि कहाँ से डिस्टेंस पूछा है, फ्रॉम दिस चार्ज 6 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम दिस चार्ज 10 सेंटीमीटर पॉइंट इज वेयर पोटेंशियल इज जीरो, क्लियर. तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए मैं न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल डेरिवेशन वगैरह पीडीएफ आपको डाल दिया है. इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ से और अपने नोट्स बनाइए आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पर बेस्ड, तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करिए, क्लियर. तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इमीडिएट और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड ऑन अवर बोर्ड, बोर्ड से आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए और समझने का कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2.2, स्टेटमेंट, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं. सपोज हमारा एक हेक्सागन इस तरह से है, ये 6 साइड होंगे इसके, ये मैंने एक सपोज ये एक रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया. अभी ये मेजरमेंट पर नहीं है तो साइड छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है. ये पॉइंट है सपोज ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड एट ईच पॉइंट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज द रेगुलर हेक्सागन 10 सेंटीमीटर चार्जेस 5 माइक्रोकूलम. यहाँ पर जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम.
तो हर पॉइंट पर यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है एट ईच पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू दैट मीन्स लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ ई इज 10 सेंटीमीटर दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर या मीटर में अपन इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया, हम इसको मीटर में चेंज कर लिया डिस्टेंस को 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो गया ये। अब यहां पर देखो, अब हम इसके डायगोनल्स बना दें, डायगोनल मिला दें, तो एक डायगोनल ये होगा इसके पैरेलल, एक डायगोनल ये होगा इसके पैरेलल, और एक डायगोनल हम इसके पैरेलल बना लेंगे, इसके पैरेलल दोनों पैरेलल हो गया, और एक डायगोनल हम इसके पैरेलल बना लेंगे इस तरह से। तो इसके डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट सपोज ओ है, ये सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन है, और यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो ट्राइंगल बनता है रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल से, ये जो ट्राइंगल बनता है जैसे ट्राइंगल ओ ए बी दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ए बी इज 10 सेंटीमीटर देयर फॉर दिस इज 10 सेंटीमीटर दस ओ ए ओ बी आर ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सब 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो देयर फॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल ओ एफ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर में भी अपन रख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यहाँ पर पोटेंशियल होगा सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल इज जीरो, दैट मीन्स हियर सभी पोटेंशियल का सम जीरो होगा, दैट मीन्स वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ हर पॉइंट पर चार्ज है इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर हम इसको वैल्यूज पुट करें पोटेंशियल के, क्लियर, तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि इसका पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल, सॉरी ये जीरो नहीं होगा, उसी का वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर दैट इज वी नॉट, वी नॉट इज द पोटेंशियल एट सेंटर दैट इज द सम ऑल सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस क्यू एंड ऑल चार्जेस आर सेम, दैट इंप्लाइज वी नॉट इक्वल टू पुट अप द वैल्यू ऑफ वी ए वी बी एंड वी सी, तो वी ए इक्वल टू फार्मूला इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस दैट मीन्स ओ ए प्लस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ बी प्लस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ सी प्लस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ डी प्लस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ ई एंड प्लस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ एफ, दैट इक्वल कॉमन वैल्यू इज q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस 1/OB प्लस 1/OC प्लस 1/OD प्लस 1/OE प्लस 1/OF, दैट इक्वल पुट अप द ऑल वैल्यूज q इज चार्ज इक्वल चार्जेस ऑल चार्जेस आर इक्वल दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे। एंड हियर देखो हमने यहाँ पर बताया है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी सब इक्वल है, दैट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सभी इक्वल हैं, तो 6 टाइम एड होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 अपॉन ओ ए एंड द वैल्यू ऑफ ओ ई इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 1, क्लियर 10 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो उसको,
तो यहां पर हम इसके वैल्यू को 6/10^-1 लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व किस तरह से हो जाएगा, देखिए यहां पर 9 × 5 ये हो गया 45 × 6, 10 को पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, 5 × 9 × 6 ये वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, 10 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 10 यहां पर -1 है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 10^10 और उसमें 6 को माइनस करेंगे तो 10 में 6 करेंगे तो आएगा 10^4। अब यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270 हो जाएगा, ठीक, 6 × 5 = 30 और ये हो जाएगा 270 × 10^4। यहाँ पर हम 2 प्लस में डेसिमल लगा दें तो 2.7, 2 प्लस यहाँ पर डेसिमल 8 हो जाएगा तो 10^6 ये हो जाएगा वोल्ट। तो 2.7 × इसका आंसर आया 2.7 × 10^6 वोल्ट। क्लियर? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसके कॉर्नर्स पे जो चार्जेस हैं इक्वल चार्जेस, सेंटर पे हमको इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2.3। देखिए एक चीज आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पर ही फोकस होइए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यदि आप एनसीईआरटी से करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3, बोर्ड से आप रीड करिए, मैं यहां पर टू चार्जेस 2 μC एंड -2 μC आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 cm अपार्ट, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। देखिए यहाँ पर 2 μC - 2 μC, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है जो भी हमने बनाया। देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, इट्स वैल्यू इज 2 μC, दैट मीन्स 2 × 10^-6 कूलम, एंड अनदर चार्ज Q2 एट बी, ए बी इज -2 μC, दैट इज -2 × 10^-6 कूलम, ये दिया हुआ है और बोलता है प्लस पॉइंट एंड बी एट 6 cm अपार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस है 6 cm। क्लियर? और यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, ये बोलता है सी पॉइंट आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। देखो ए और बी मिलके जो इक्विपोटेंशियल सिस्टम बनाएगा तो उसके किसी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल, मतलब वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि पॉजिटिव +2 कूलम है ये -2 कूलम है, तो हमको वहां पर उसका पोजीशन फाइंड करना है। और साथ में बोलता है सेकंड पॉइंट में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट आंसर है, ये 6 cm है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये 3 cm पर मिलेगा और यहाँ पर VA प्लस VB इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, दैट मीन्स 1/4πε₀Q, इसका वैल्यू पुट अप कर दिया मैं, Q इज 2 × 10^-6 / डिस्टेंस इज 3
इंटू 10^-2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, और प्लस वी बी इज 1/4π ε0। ये इक्विपोटेंशियल पर वी इक्वल टू अपन लिख रहे हैं 8 पॉइंट सी ऐसा लिखो इसको, वी सी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी इज 2 × 10^-6 3 × 10^-2। ये हो गया, हमने इसका वैल्यू पुट अप कर दिया। दैट मीन्स सी पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, दैट इज द सम ऑफ वी ए प्लस वी बी। अब यहाँ पर आप देखो दोनों वैल्यू को, ये पूरा वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर माइनस टू है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वी सी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपनों को पता है कि सिंस वी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसका फार्मूला होता है ई डॉट आर, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, आर इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। बट हियर वी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमने निकाला कि वी सी वो क्या है, जीरो है, देयरफॉर ये हो जाएगा ई डॉट आर इक्वल टू जीरो। और किसी भी दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, देयरफॉर ई परपेंडिकुलर आर। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी विच इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो सेकंड नंबर का इसका जो आंसर है बी पार्ट का वो ये हो जाएगा, और ए पार्ट का आंसर हो जाएगा जीरो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जीरो हो, तो पोटेंशियल जीरो होने के कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग के मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट का आंसर है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर आप रीड करिए। आप न्यूमेरिकल्स करते समय एनसीईआरटी की बुक पास में रखिए। सपोज आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन रीड के बिना आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन समझ में कभी नहीं आएगा। 2.4 ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 1.6 × 10⁻¹ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फेयर, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, एट द पॉइंट ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। क्लियर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अपने पास एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है ये, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, उस चार्ज का वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹ 1.6 × 10⁻¹ कूलम, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ना, क्लियर। इनसाइड द स्फेयर, अब इसमें 3 कंडीशन में हमको क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट इज इंटेंस पोटेंशियल स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर। देखो हमको पता है कि स्फेयर के इनसाइड में क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, क्योंकि किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी में जो चार्ज होता है वो ओनली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके अंदर में चार्ज क्या होता है, जीरो। और चार्ज जब जीरो होगा तो देयरफॉर इंटेंसिटी इज आल्सो जीरो। जब चार्ज जीरो होता है तो इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4π ε0 Q/R², देन क्यू इज जीरो, देन इंटेंसिटी विल बी आल्सो जीरो, क्लियर। देन द वैल्यू इंटेंसिटी इज जीरो। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट आउटसाइड, दैट मीन्स सरफेस, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द
स्फीयर, दैट इज सरफेस, आउटसाइड मीन सरफेस, ये आउटसाइड है इसका, डी आउटसाइड। आउटसाइड भी क्या होगा देखो, आर हियर, आर इज 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 12 × 10⁻²। मीटर। अब यहां पर हमको फाइंड करना है क्या, इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला टू 1/4π ε₀। आसान क्वेश्चन है ये, तो ये तो पीछे के चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है, कुछ भी नहीं है ये। 9 × 10⁻⁹ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, यह इंटेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कोरिलेट करते हैं ना। तो क्यू का वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ पर, 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस इज आर, एंड आर इज 12 × 10⁻², एन स्क्वेयर, दैट इक्वल, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 16/10, डेसिमल को मैंने इंटीजर बना दिया, × 10⁻⁷ × 12 × 10⁻⁴। इंटीजर वैल्यू आप बना के सॉल्व करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। अब किस तरह से इसको सॉल्व करें देखिए, अपन जो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 × 4 = 4, 3 = 3, एंड अगेन 4 is 3 = 3, 3 × 3 = 9, कैंसिल आउट विथ 9, क्लियर। तो पूरे वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो गए, अब हम 10 के पावर में इसको बना लेते हैं, तो 10 के पावर में बना लेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, तो लिखेंगे 1 × 10⁻⁴। अब यहाँ पर आप देखो ये −4 है, ये पावर 1 है, −3 हो जाएगा, −3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, +3 होगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और −7 तो हो जाएगा 5, तो 1 × 10⁵, क्लियर। एक बार आंसर टैली कर लें अपन, इसका NCERT बुक में आंसर क्या दिया है, 1 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, दिस इज द आंसर, 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। एंड सी पार्ट इसका थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, देखिए थर्ड पार्ट में बोलता है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसी को एक्सटेंड किया है आगे, इसके सेंटर से बाहर सपोज ये कोई पॉइंट है P, और यहाँ पर है इसका डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले वो अंदर पूछा, इनसाइड, फिर आउटसाइड, अब फ्रॉम 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हियर R = 18 सेंटीमीटर, क्लियर। सी R इज 18 सेंटीमीटर, दैट इक्वल 18 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है, सेल्फ वैल्यू पुट अप करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो E = 9 × 10⁹ 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन 18 × 10⁻², होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्लियर। दैट इक्वल सॉल्व करें, 9 × 10⁹, इसको मैंने लिख दिया 16, तो अपॉन में 10 × 10⁻⁷, दिस इज 18 × 18 × 10⁻⁴, दैट इक्वल, यहाँ पर आप सॉल्व करो तो ठीक है, 9 × 2 = 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 = 8, क्लियर, एंड 2 × 4 = 2 = 9, इस तरह से होगा, क्लियर। सबसे पहले मैंने 18 से 9 से इसको करा दिया, 2 × 2 = 8, और 2 × 4 = 2 = 9, तो 1/9, यहाँ पर आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, देखिए क्योंकि और तो कोई इसका पेयर है नहीं, ये 4 है ये 9, चलिए मैं इसको लिख दिया 4/9 इंटू, डिवाइड कर लेंगे बाद में अपन, इंटू 4/9। अब 10 के पावर को सॉल्व करिए, तो 10 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, −3, इधर जाके +3 जैसे अभी हुआ था,
तो 12 और माइनस 7 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो 4 में 9 डिवाइड कर लें अपन, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5। यदि इसको हम 4 लिखना चाहें तो एक 10 यहाँ से ले लेंगे, तो 10 टू द पावर 4 ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, 4 इंटू 10 टू द पावर, क्लियर, 4.4 हो जाएगा ये, डिवाइड करेंगे तो 0.44 तो हो जाएगा 0.44 को लिख दिया हमने 4.4 9। ठीक है, 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36, ये 4/9, तो 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर, क्लियर। तो 3 कंडीशन इसमें पूछा, देखिए, फर्स्ट इज इनसाइड, 0 होगा क्योंकि चार्ज 0 है, सेकंड आउटसाइड दैट मींस सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड थर्ड इज आउटसाइड फ्रॉम 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट रीड करिए आप और देखिए उसमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। 2.5 ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड इट्स कैपेसिटी इज 8 माइक्रोफेराड, ठीक है, गिवन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेराड, ठीक है, माइक्रो और पीको, सॉरी पीको फेराड और पीको फेराड को फेराड में चेंज करेंगे तो माइनस 12, बुक में इसका कन्वर्सन भी दिया हुआ है, तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फेराड हो जाएगा। और बोलता है क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से समझ लीजिए, हैज अ कैपेसिटेंस दिस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। जैसे अभी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से है ऐसा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज ये डी है, अब इसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने सपोज कर दिया डी डैश, एंड डी डैश इज डी बाई टू, ये फर्स्ट पोजिशन है, ये सेकेंड पोजिशन है, फर्स्ट पोजीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस डी था सपोज, और बाद में वो हाफ रिड्यूस कर दिया, लेकिन एक नई बात ये बोल दिया कि जब रिड्यूस किया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुटअप कर दिया, सपोज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के है, जो कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 गिवन है, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया, फर्स्ट कंडीशन में इनके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, बाद में इसके बीच के डिस्टेंस उसका हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया हाफ, लेकिन दोनों कैपेसिटर के, दोनों प्लेट के बीच में अब उसने 6 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट फिलअप कर दिया, तो उसका किस तरह से कैपेसिटी में चेंज होगा ये पढ़ना है। तो नाउ फर्स्ट कंडीशन, कैपेसिटी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटी, दैट इंप्लाइज सी इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एंड दैट इक्वल ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज सेम, देन ए इज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट सपोज। नाउ सेकंड कंडीशन, नाउ इन सेकंड कंडीशन कैपेसिटी इज सपोज सी डैश, सेकंड कंडीशन में सपोज कैपेसिटी सी डैश हो गया क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, एंड देन द फार्मूला इज ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सिंस
K dielectric material is kept between plate, then multiply by K and distance. Now next distance is D dash, that is D by 2. डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ d by 2, या एक बार लिख दे, चलो वैल्यू पुट अप को एक बार लिखना चाहिए, हो जाएगा d dash, that implies c dash equal to, अब इसको हम लिख सकते हैं a epsilon naught into 6 upon d dash is d by 2, क्लियर. नाउ सिंप्लीफाई, दैट इंप्लाइज c dash इक्वल, अब यहाँ पर देखो मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, दैट इज 6 इंटू 2 12, दैट इंप्लाइज सी डैश इक्वल टू, नाउ पुट अप द दिस वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज दिस, इसीलिए हमने उसको वहाँ पर सॉल्व नहीं किया, उसका वैल्यू वहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो उसका वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 12, क्लियर, दैट इक्वल, ठीक है, 12 इंटू 8, 8 टू जा 16, ये 96, 12 इंटू 8 96, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, नाउ इट इज रिटर्न एज 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड, क्लियर. ये फैराड, यदि हम इसको पीको फैराड में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपन, 9.6 है ये, यहाँ पर हमको 10 टू द पावर माइनस 12 लिखना है, तो 10 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 96 पीको फैराड, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, दैट इज रिटर्न एज 96 पीको फैराड. आप यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर फैराड में, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं आंसर पीको फैराड में, दोनों आंसर सही है, कोई जरूरी नहीं इसको पीको फैराड बनाना, एक बार आंसर टैली कर लें अपन, आंसर क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 2.5, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.5 इज 96 पीको फैराड, ओके करेक्ट, 96 पीको फैराड. आप आंसर दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यह है 2.5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टू कंडीशन को इसमें, वैसे एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस, जिन लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल से भागते हैं, या न्यूमेरिकल्स का फोबिया है, जिनके अंदर डर है, उनको मेरा एक ही सजेशन है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल पर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत आराम से करिए, मैं एक एक चीज़ को समझा के आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स करने का हैबिट हो जाएगा, फिर आईआईटी जेईई नीट के बेस पर जब आप न्यूमेरिकल्स में एंट्री करेंगे तो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे से क्लियर रहेंगे एनसीईआरटी के, तो बहुत आसानी से आप डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे, क्लियर. नाउ ले लो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए आप. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत ध्यान से रीड किया करो ना, पहला रिक्वायरमेंट न्यूमेरिकल्स के लिए यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको. 6 नंबर क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड आर कनेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन पर है. व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन ए 120 वोल्ट सप्लाई. थ्री कैपेसिटर 9 पिको फैराड कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये 2.6 और 2.7 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हम इसका एक फिगर बना लें. सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ये समझाने के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ. ये सपोज C1 है, ये C2 है, ये C3 है, क्लियर. और यहाँ पर जो सप्लाई किया गया है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो सप्लाई किया बाद में वो है 120 वोल्ट. इसमें दो क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, पहला अपन आंसर इसका बनाते हैं, पहले नंबर का वो है कॉम्बिनेशन का.
तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हियर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 एंड दैट इज 9 पीको फैराड, दैट मीन्स 9×10^-12 फैराड। ये है, इसको अपन पीको फैराड में ही निकाल देते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको फैराड में चेंज करने का, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व करो, 1/C इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, दैट इम्प्लाइज 1/C इक्वल टू 3/9, दैट इम्प्लाइज 1/C इक्वल टू 1/3, देयरफॉर सी इज 3 पीको फैराड। ये हो गया 3 पीको फैराड हमने निकाल लिया, इसका क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब तीनों मिला के। अब यहाँ पर देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्यू कॉन्स्टेंट होगा, बट देयर पोटेंशियल आर डिफरेंट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का, जो मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाते समय आपको समझाया है। तो दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, और चार्ज क्या है, कॉन्स्टेंट। तो नाउ सेकंड कैलकुलेशन इज पोटेंशियल इन डिफरेंट कैपेसिटर्स, ये सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना होगा, मतलब V1, V2, V3 अपने को क्या करना है, काउंट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज, ठीक है। तो अपन चार्ज कैलकुलेट करेंगे, सी इक्वल टू होता है C=Q×V, देयरफॉर Q=C/V। नाउ सी इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3 एंड पोटेंशियल इज 120, ठीक है। ये फार्मूला हमने गलत लिख लिया ना, Q=C×V ना, Q=C×V, दैट इक्वल 3×120, दैट मीन्स 360, ये क्या है, पीको फैराड में है, तो हो जाएगा पीको कूलम, ठीक है, पीको कूलम। ये हो गया चार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल इज फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V=Q/C, तो Q/C दैट इज Q 360 एंड C इज 9, दैट मीन्स 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो सभी का चार्ज तो इक्वल है, देयरफॉर V2 इज आल्सो 40 वोल्ट एंड V3 इज आल्सो 40 वोल्ट, तभी तो 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 120। तो सब में इक्वल पोटेंशियल होगा, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबका कैपेसिटी सबका पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। तो तीनों में V1, V2 एंड V3 में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट का हो जाएगा। तो यह है सीरीज कॉम्बिनेशन पर, और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2.7 बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है। यही मैं बताता हूँ बार बार कि NCERT का बुक की खासियत है कि उसने 6 में सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ दिया, तो 7 में पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल वेरिएबल होता है, लेकिन अभी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.7, क्वेश्चन नंबर 2.7। वैसे आप स्क्रीन शॉट नहीं भी ले पाएंगे तो वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नोट्स बनाना आपको जरूरी है, न्यूमेरिकल्स के नोट्स आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2.7, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 पीको फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले अपन सर्किट बना लेते हैं इस तरह से, ये इसमें सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग। इस क्वेश्चन में एक नई बात यह है कि सब इक्वल कैपेसिटी के कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन कॉमन पॉइंट, अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज क्यू एंड हियर अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q2, हियर इट एंड हियर Q3, कैपेसिटी इज
C1, C2 and C3. This is the circuit. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 2, 3 and 4 पिको फैराड. C1 इज 2, दिस इज 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड एंड C3 इज 4 पिको फैराड. देन फाइंड इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन इज, फर्स्ट इज C=C1+C2+C3 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. That implies C=2+3+4 that equal 9 पिको फैराड. क्लियर, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब यहाँ पर देखो कि इस तरह के सर्किट में क्या होता है, V कांस्टेंट होता है. यहाँ पर V दोनों टर्मिनल का V है और V यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. सभी का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा. अब अपने को चार्ज सब में Q1 Q2 Q3 होगा, सबका हमको क्या पता चल गया इक्विवेलेंट चार्ज. तो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ सेकंड सॉल्यूशन इज, नाउ Q=C×V, दैट इंप्लाइज Q=, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 9 एंड पोटेंशियल इज, क्वेश्चन में बोला है कि इसको कितने पोटेंशियल से 100 वोल्ट से सप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ये फिगर में हम इसको कनेक्ट कर दें, यहीं पर मैं बता दूं इसको इस तरह से. आप सर्किट थोड़ा चेंज कर लीजिए. नेक्स्ट कंडीशन इज, इट इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट सोर्स ऑफ द चार्ज आर करेंट. तो 100 वोल्ट से कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया 100, दैट मीन्स टोटल चार्ज इज 900. ये 900 अपने को चार्ज मिल गया. अब हमको सब में अलग अलग चार्ज कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सभी में अलग अलग चार्ज कैलकुलेट करना है. 9 पिको फैराड हो गया हमारा कैपेसिटर, है ना, और चार्ज निकाल लेंगे सब में अलग अलग, एक साथ भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है. चलो चार्ज ऑन फर्स्ट, तो Q1 इक्वल, फर्स्ट पर कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है ये देखें, तो Q इक्वल हो जाएगा C1×V. ये हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा है टोटल चार्ज कितना है, लेकिन मैंने निकाल दिया. Q1=C1×V, V कांस्टेंट है, तो C1 इज 2 एंड पोटेंशियल इज 100, दैट मीन्स 200 पिको कूलम. Q2 इज C2×V, दैट इक्वल 3×100, दैट मीन्स 300 पिको कूलम. एंड Q3 इज 4 C3, ठीक है, C3×V, दैट इक्वल 4×100, दैट मीन्स 400 पिको कूलम. मैं यहाँ पर निकाल के रखा हूँ टोटल 900. देखो 4 और 3 7×9 पिको कूलम. यदि आपको कूलम में चेंज करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, दैट इक्वल, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 10^-12, दैट मीन्स 200×10^-12 कूलम, दैट इज, दैट इक्वल टू 2×10^-10 कूलम. ये हो जाएगा 3×10^-10 कूलम, ये हो जाएगा 4×10^-10 कूलम. यदि आपको कूलम में आंसर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, पिको कूलम में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं. तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. दोनों क्वेश्चन में आपने क्या डिफरेंस देखा, वहाँ पर हमने V1, V2, V3 निकाला और वहाँ पर चार्ज कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर हमने देख क्या किया, Q1, Q2, Q3 निकाला. यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है. सभी में हमने 100 वोल्ट ही यूज़ किया क्योंकि कॉम्बिनेशन. तो आपको यहाँ क्वेश्चन के हेल्प से देखिए, न्यूमेरिकल्स करने का जो पर्पस है वो क्या है. कभी भी स्टूडेंट इतना छोटा सोच लें कि न्यूमेरिकल्स ना करे, कि ये क्वेश्चन मेरे को बताया जा रहा है, ये मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एग्जाम में आएगा. एक्चुअल में हम जो क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है. जैसे आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर, कई बार स्टूडेंट क्या सोचता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश करता है कि मेरे से 2.7 वाला क्वेश्चन बन जाए. ऐसा नहीं, आपको 2.7 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. पर्पस बड़ा होना चाहिए. हम एक क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करना है, एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है. दोनों में डिफरेंस है. एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो वही बस बनेगा, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो उससे रिलेटेड
बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको पढ़ने की टेंडेंसी को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस होइए कि सर ने सीरीज वाला क्वेश्चन कैसे बताया था, पैरेलल वाला कैसे बताया था, या कोई भी क्वेश्चन पर मैं किस कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप एक बार आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2.8, क्वेश्चन नंबर 2.8, नाउ रीड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ो। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया 6×10⁻³ मीटर स्क्वेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 volt सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट क्लियर कर दूं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आप क्वेश्चन को समझो पहले, और बोलता है इन पैरेलल कैपेसिटर विथ एंड बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट्स हैज एन एरिया 6×10⁻³ मीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स ए इक्वल टू 6×10⁻³ मीटर स्क्वेयर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट। क्लियर? एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 3 mm। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है डी, वो डी है 3 mm, दैट मीन्स 3×10⁻³ मीटर। हमने इसको mm को मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है हमारा, इसका कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इफ दिस कैपेसिटी इज कनेक्टेड टू ए 100 volt सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज। क्लियर? सीधा हम इसमें फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है, सिंस सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमने फार्मूला यूज किया। इस फार्मूला में वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना है अपने पास, 6×10⁻³, एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.54×10⁻½। ये वैल्यू आपको याद करके रखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट का। एंड डिस्टेंस इज, ये तो कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करिए, इसका वैल्यू होता है 8.854। चलिए देखिए, इसका कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से करके आपको बता देता हूँ। 3×2 = 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2×8.854, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 10 के पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 10⁻³, यहाँ ध्यान देना -3, और ये तो 10⁻³, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻²। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो C का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 17.7 नियर अबाउट, 17.7×10⁻½, ये अप्रोक्स ये। और 17.7×10⁻½ के कंपैरिजन में ये, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में लें तो कंप्लीट 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लो। 3×2 = 6 होगा, डिस्टेंस ठीक लिखा है, -3, ये ठीक है। इसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं, दैट इक्वल लिख सकते हैं 18 पीको फैराड लिख सकते हैं। क्लियर?
क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में डेसिमल के बाद का नंबर यदि 5 से ज़्यादा है तो उसको हम इंटीजर बना सकते हैं। तो ये कितना लिख सकते हैं अपन इसको, 18 पिको फैराड। तो ये इसकी कैपेसिटी हो गई, एनसीईआरटी के बुक में 18 पिको फैराड ही इसका आंसर दिया हुआ है। अब हमको पूछता है चार्ज, चार्ज इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, चार्ज सी इंटू वी। तो सी तो हमने निकाल लिया है, ये 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वोल्ट दिया है। कितने वोल्ट से इसको कनेक्ट करने के लिए की बात किया है क्वेश्चन में, 100 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ये 100 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 10, या इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ना, सॉरी, तो 1.8 करूँ डेसिमल में यहाँ पर 10 डिवाइड करूँ तो हो जाएगा माइनस 11 ये पिको कूलम, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ऐड होगा इसमें, नहीं, 1.8 इंटू माइनस 10, ये कैलकुलेशन कर लेना आप। तो ये हो जाएगा पिको कूलम, पिको कूलम क्यों होगा, इसको मैंने कूलम में चेंज कर दिया, सॉरी, पिको फैराड में यहाँ आंसर दिया लेकिन यहाँ पर मैंने इसको फैराड में चेंज कर दिया, तो फैराड नहीं होगा, कूलम, पिको कूलम बनाना है तो आपको 10 माइनस 12 करना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले, ओनली कैलकुलेशन है, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है और डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2.8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन 2.8 पर, ये जो 2.8 पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2.9, तो दोनों कोरिलेटेड स्टेटमेंट है, ध्यान देना। अब अपने बोर्ड में मैं 2.9 को शो कर रहा हूँ लेकिन इसी पर बेस्ड है उसका पूरा डेटा, यही यूज होगा, ये ध्यान रखना। तो इधर का मैं सॉल्यूशन को मिटाता हूँ और इसी क्वेश्चन में ऐड करके क्या पूछा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 2.8 पर बेस्ड है, मतलब डेटा यही रहेंगे उसमें, ठीक है, और आगे इसमें कनेक्ट कर दिया, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 mm थिक माइका सीट इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट, ओ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 mm का। अब यहाँ पर फिगर में मैं चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 3 mm का, 3 mm दैट मीन्स 3 × 10⁻³ मीटर का एक माइका प्लेट, ये माइका का प्लेट है, ये इसके बीच में इंसर्ट कर देता है और इस माइका प्लेट का जो के है वो कितना है, 3 × 6, जनरली 6 होता है ना, 6 ही है ये 6। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में इसी कैपेसिटर में क्या किया गया, इस प्लेट के बीच में, ये सपोज प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो दोनों प्लेट के बीच में 3 × 10⁻³ मीटर का और 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक माइका का प्लेट इंसर्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद बोलता है व्हाट हैपेंड, विल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अब यहाँ पर हमको वोल्टेज सप्लाई को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सी हमने निकाला था, अभी सी कितना निकाला था, अभी पहले हमने सी निकाला था 18 पिको फैराड निकाला था, मतलब 2.8 नंबर क्वेश्चन में, फिर 100 वोल्ट सप्लाई करने की बात कर रहा है, भी है 100 वोल्ट, इसमें 100 वोल्ट का सप्लाई अपन करते हैं और इस कंडीशन में हमको यहां कैलकुलेट करना है, इसकी कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू K होता है, दैट मीन्स जो कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट अप करते हैं
तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि बहुत सा चार्ज क्या करता है, वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो सी प्रोपोर्शनल टू के ये हम जानते हैं, देयरफॉर ये सी डैश इक्वल टू आएगा सी इंटू के। यदि हम सी डैश कहें न्यू कैपेसिटर, तो यहाँ पर देयरफॉर इसकी जो कैपेसिटी सी डैश है वो सी, दैट मीन्स जो पहले उसकी कैपेसिटी थी 18 पीको फेराड इंटू के का वैल्यू कितना है 6। ये तो 18 में 6 मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो 18 6 मल्टीप्लाई करने के लिए 108 आएगा। ये हो गया 108 पीको फेराड। ये पहला आंसर, मतलब आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, या आप इसको सी डैश अपॉन सी इक्वल टू के फार्मूला के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जब न्यू कैपेसिटी होता है। देखो यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप, सी डैश अपॉन सी इक्वल टू के होता है, ये फार्मूला भी आप लर्न करके रखना या ऐसा लिख सकते हो। दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट पुट अप कर दें, तो उसका कैपेसिटी में जो चेंजेस होता है, तो वो सी डैश मतलब न्यू कैपेसिटी अपॉन ओल्ड कैपेसिटी, प्लेट रखने के पहले की कैपेसिटी, इसका रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इस फार्मूला के बेस पर भी हम लिख सकते हैं सी डैश इक्वल टू सी के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना कि पैरेलल प्लेट, तो ये 2.8 और 2.9 कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आफ्टर द सप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसमें हमको चार्ज भी पूछ रहा है कि चार्ज कितना हो जाएगा, सेकंड चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो यह हो जाएगा सी डैश इंटू वी, क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है सी डैश इंटू। अब उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटी चेंज हो गया तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा, तो सी डैश कितना है अपने पास 108 इंटू 10^-12 अपन इसको फेराड में लिख सकते हैं, और पोटेंशियल है 100, ये हो जाएगा 108 इंटू 10^-10। दैट मीन्स इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो 1.08 इंटू 10^2, इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो -8, ये हो जाएगा इसका चार्ज। क्लियर? सेकंड आंसर है 108 इंटू 10^-8। एक एक आप समझते जाना, सबसे पहले हमने सी डैश निकाला, फिर अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लेट रखने के बाद की कैपेसिटी और प्लेट रखने के बाद का चार्ज, और थर्ड कंडीशन में पूछा है उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं वी डैश अपॉन वी डबल डैश इक्वल टू के, वी डैश अपॉन वी डबल डैश इक्वल टू के, ये फार्मूला आप ध्यान रखना, क्योंकि पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कैपेसिटी और पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो ये पहले का जो पोटेंशियल है बाद के पोटेंशियल का रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लें, दैट इम्प्लाइज ये वी डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा वी डैश अपॉन के, दैट इक्वल वी डैश इज, हमने वी डैश क्या निकाला है, अच्छा वी डैश वी में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो वी डैश क्या होगा 100 ही होगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन के इज 6, तो 100 में हम 6 डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 16.6 वोल्ट, ये हो जाएगा उसका बाद का पोटेंशियल। अब यहाँ पर आप देखो कि जब इसका पोटेंशियल वी डबल डैश हो जाएगा तो उस समय उसमें कितना चार्ज होगा, ये भी कैलकुलेट करने बोला है, तो Q डबल डैश या स्मॉल Q लिख सकते हैं अपन, बहुत सारे कैलकुलेशन है ना इसमें, Q डबल डैश Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो यह हो जाएगा C डबल डैश इंटू V डबल डैश, क्योंकि अब चार्ज भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और उसका पोटेंशियल भी चेंज हो गया, तो C डबल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना निकाले हमने C डबल डैश का वैल्यू, सी डबल डैश नहीं, चार्ज तो सी डैश ही हुआ है ना, दो बार चार्ज है, ठीक। चलिए देखिए,
प्लेट को रखने के बाद इसका चार्ज हुआ है C-डेस, ये सी डबल डेस नहीं होगा, सी डेस होगा, पोटेंशियल चेंज हो गया उसका, तो सी डेस दैट मीन्स ये हो जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड में, और वी डबल डेस हमने निकाला ही है 16.6। इसको तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको आंसर बता दें सीधा, 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 16.6 या 100/6। इसको हम ऐसा सॉल्व कर दें थोड़ा इजी हो जाएगा, देखो ये 100 में 6 डिवाइड करके ये आंसर निकाला हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा 100/6। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर दें, तो 6 बन जाए, हो जाएगा 6, ठीक है, 108 डिवाइडेड बाई 6 1.8, 6 डिवाइड करने से इंटू 10 टू द पावर 2 इसके साथ कर लो माइनस 10 कूलम्ब। एक बार आंसर मिला लूँ मैं बुक से, 108 में 6 डिवाइड करने से 1.8 ही आएगा ना, वन पॉइंट एट छीन आएगा, सॉरी 18 आएगा, और आगे हम इसको सॉल्व करें तो 1.8 इंटू 10 टू, ये कैलकुलेशन को थोड़ा देख लेना, कभी कभी क्या डेसिमल वगैरह लगाने में हमसे भी मिस्टेक हो जाता है। अब ठीक है, 108 डिवाइडेड बाय 6, 18 सिक्स जा 108, 10 टू दी पावर ये माइनस टू, इसमें होगा माइनस 10। अब इसको डेसिमल को 1 प्लस इधर मैं रिप्लेस करूं, यहां लगाऊं तो एक 1 प्लस होगा तो माइनस 10, आंसर आया है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। क्लियर, ठीक। तो देखिए यहां पर कितना आंसर निकालना है अपने को, ये फर्स्ट आंसर सी डेस मतलब न्यू कैपेसिटी, नाउ सेकंड इज न्यू चार्ज, ये सेकंड आंसर कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज होने के बाद उसका न्यू पोटेंशियल वी डबल डेस, और पोटेंशियल जब ये हो जाएगा तो अगेन उसका चार्ज कितना हो जाएगा, ये है इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद के पूरे कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कैलकुलेशन बहुत है, इसमें ध्यान में रखना। तो 2.8 और 2.9 को आपको कंबाइन पढ़ना है, 2.8 विदाउट प्लेट है, उसमें दोनों के बीच में एयर आर वैक्यूम है, और 2.9 में उसके बीच में इतने थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखा हुआ है माइका का। क्लियर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं, 2.10। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट, ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ये तो बहुत आसान है और एनर्जी स्टोर पर बेस्ड है, ठीक है। 12 पिकोफैराड गिवन है, C इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, या एक बार इसको मैं गिवन के फॉर्म में ही लिख दूँ, फिर चेंज कर दूंगा, पीको फैराड दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, एंड नेक्स्ट डेटा इज 50 वोल्ट सप्लाई, V इज 50 वोल्ट, देन इज एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी यू इक्वल होता है 1/2 सी वी स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ओनली आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं, 1/2 सी इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वी 50 इंटू 50। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 6 जा और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 5 150, 150 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 10, यहाँ पर 1.5 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस और हो जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 8 जूल। टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखते हैं आंसर क्या है इसका, आंसर इज 1.5 इंटू 10 टू माइनस 8 जूल, ठीक है, कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये फार्मूला आपको बस पता होना चाहिए,
एनर्जी स्टोर ऑन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर ऑन ए कैपेसिटर इज 1.2 सी वी स्क्वायर, दोनों वैल्यू देने पुट अप कर देना है। तो ये है 2.10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.11, क्वेश्चन नंबर 2.11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। कैपेसिटर सी है 600 पिकोफैराड, दैट इज 600 × 10⁻¹² फैराड, दैट इज 6 × 10⁻²⁰ फैराड। ये है इस चार्ज 200 वोल्ट, ये पोटेंशियल है 200 वोल्ट। इट इज देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई, फिर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पीटो। अब अनचार्ज ये C1 ले लो और C2 अपने पास एक अनचार्ज कैपेसिटर, उसकी भी कैपेसिटी 600 पीको फैराड है, दैट मीन्स 6 × 10⁻¹ फैराड है। सिचुएशन को समझना थोड़ा ध्यान से, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज लॉस्ट, क्लियर। देखो क्या है, अपने पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर चार्ज है, ये चार्ज कैपेसिटर है, उसको इतने वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसमें चार्ज नहीं है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया, मतलब इस तरह का कंडीशन है। यह है C1, यह है C2, C1, C2। अब इसको हम क्या किए, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, इसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट और ये अनचार्ज है, तो जब इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज A से क्या होगा, B में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक पर डिपेंड है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस निकालना है, तो देयरफॉर डेल ई, एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है C1 × C2 / 2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है C1 × C2, क्लियर। अब यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर गिवन है उसको हम पुट अप कर देते हैं, तो क्या क्या गिवन है, C1 गिवन है अपने को ये 6 × 10⁻¹, एंड C2 इज आल्सो 6 × 10⁻¹ / 2, इनको भी ऐड कर देंगे 6 × 10⁻¹ + 6 × 10⁻¹ और इंटू V1 - V2, तो यहाँ पर पोटेंशियल अभी क्या है, जीरो है, अनचार्ज बॉडी है इसलिए, तो ये हो जाएगा 200 - 0 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको हम सॉल्व कर लें, दैट इक्वल ये हो जाएगा 6 × 10⁻¹ इंटू 6 × 10⁻¹ / यहाँ पर दो बार ऐड होगा, तो 2 तो ऑलरेडी है, 2 टाइम्स ऐड होगा, तो 2 × 6 × 10⁻¹ हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा 200 × 200 स्क्वायर है। तो अब एक लेंदी कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो ये 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻¹, 10⁻¹ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। और ये 2 इसके साथ में कैंसिल आउट होके ये 100 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होके इसके साथ में ये 100 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में क्या क्या बचा देखो अपना, दैट इक्वल 6, ये वाला 6 बचा हुआ है और 10⁻¹, यहाँ पर 2 2 4 2 2 4, तो 4 इसके साथ माइनस होगा, तो हो जाएगा 10⁻¹, 6 × 10⁻¹ जूल। ये होगा इसका आंसर, एक बार आंसर टेली कर लें अपन, आंसर क्या आता है 6 × 10⁻¹ जूल, क्लियर, ये इसका आंसर है। तो ये एनर्जी लास्ट पर, तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये 11 क्वेश्चन, इसके बाद तो एडिशनल क्वेश्चन है वो सेकंड फेज में और आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन ही है। तो यहाँ आपने 11 क्वेश्चन में देखा 11 टाइप के कॉन्सेप्ट है, इसलिए सबसे पहले आप NCERT के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए, फिर सेकंड फेज में जब मैं स्टार्ट करूंगा अपना न्यूमेरिकल्स, तो कम्प्लीटली IIT JEE और NEET को ध्यान में रख के मैं अपना कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।